अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सूदिंग लोशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या है और उसको इस्तेमाल का तरीका क्या है और किन किन जगहों पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरी तरफ से अपलोड हो तो आप तक थ्रू नोटिफिकेशन इसका मैसेज पहुँच जाए और आप उसे देख सको। सूदिंग लोशन वैसे तो बहुत सी कंपनीज का मिलता है, लेकिन मेरे पास जो है ये सॉफ्ट टच वालों का है। गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स वाले इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये टी ट्री ऑयल के साथ है। ये 120 ml की बोतल है मेरे पास और ये आपको 150 तक अवेलेबल होगा। इसके अलावा इसमें मैन्युफैक्चर डेट भी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसको एज ए फेशियल भी यूज कर सकते हैं। फेशियल में ये थर्ड प्रोसीजर के ऊपर यूज होता है। आप इसको यूज करके ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप सिर्फ ब्लैक हेड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करके मसाज कीजिए और ब्लैक हेड्स को रिमूव कीजिए, इजीली आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें फेस पॉलिशिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लीच करते हुए इरिटेशन होती है और जलन होती है, जैसे कि अक्सर होता है गर्ल्स के साथ, तो आप इसको यूज करोगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगी और जलन नहीं होगी ब्लीच यूज करते हुए। अब इसके दीगर बेनिफिट्स के तरफ आते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, इसमें टी ट्री ऑयल है और टी ट्री ऑयल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शनल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अलावा इसमें चैमोमाइल है, मेथोइल है, एलेंशन है, जो स्किन को इचिंग नहीं करता, रेडनेस को खत्म करता है और रैशेज भी नहीं लेकर आता। यानी कि अगर फेशियल के दौरान, पॉलिशिंग के दौरान और ब्लीचिंग के दौरान आपको रैशेज, रेडनेस होती है तो इसको ये खत्म करता है। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर है इसका और फ्रेग्रेंस की बहुत ही अच्छी है। काफी देर तक आपके साथ ये रहती है। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप इसको लेकर रख लें अपने पास, और अगर आपको किसी किस्म की रेडनेस और इरिटेशन होती है ब्लीच करने से या फेशियल करने से तो आप इसको अप्लाई कीजिए तो आपको इमीडिएटली इससे आराम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट तक वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।